कुरान सुनिया करो थोड़ा थोड़ा। ये तो मैं गुजारिश कर रहा आज जेड़े नहीं गुजरे से शबे मेराज है कल रात ते मेरा भी दिल भी याद है आज मैं ताजदार है अंबिया दे कोई फजाए भी बलकद अरसलना ए मजा होंगे ता सही जो एक सिलसिला मुसलसल मिले ना से ते उन्दे च बंदा उन्दे एक एक लफ्ज की तशरीह जेड़ी है ओ काफी वक्त तलब होंगी। मैं तेरे सामने आयत पढ़ी है पहला पहला लफ्ज है अरसल ना ना को छोड़ के तू कभी जमा मत ले गया एक मैं आमदन छोड़े ना क्यों कि मैं अपने मकसद ते ना पहुंच सकता तरसले नाल बाहु आज मैं जेते मेरा दिल लाती परसा मस्से याद हथे हो सुने वे इरसाल कीता करण वाले लेकिन की वे इरसाल लफ अरसल्ला जिन मेरे इरसाल का लफ सामने आता है सब तो पहले खत का तसव्वुर उभरता है दिमाग के लिए दोस्त के ने मैं खत इरसाल कीता तो परवरदिगार आलम फरमा रहे कि मैं अंबिया को करेना इरसाल समझे कदई ये डिठे वे जो खत दिमाग दे विच बेनी लिफा फाजी लेटर वक्त जो निकल के आवे करे नहीं लिखा होवे सवाल ही पैदा नहीं क्यों के खत जिस वक्त लिखा वेदे ओ खत बनन तक काफी मराहल दे विच गुजरदा है तो आदि चुप को मैं इवें समझे सा जीवे सी समझण की कोशिश कर रहे और मैं अपना जो कुछ पिन्या हो वो तो पेश कर रहे खत जेड़ा है वो बेन ही लिफाफा दिमाग है तू निकल के नहीं आता सब तू पहले खत द मफहूम इल्म दे विचार सब तो पहले मैं तो दिमाग की थोड़ी जी जिमनास्टिक करवाना चाहना ताकि मेरे मफहूम मजमून थोड़े समझ आ सके कि सब तो पहले इल्म दे विच आंदी है कोई चीज लिखा लगो सब तो पहले इल्म दे विच आंदी है उन्दे बाद इल्म दे विच अल्फाज जुड़ते एक मरबूत इबारत बनने दी है इबारत जेड़ी है ओ कागज से मुंतकिल थी दिए समझ जाती भी है मेरी गल मैं बड़ा एक मंजिल से पास जा रहा तो ओ सब तू पहले ताजदार अंबिया दा नूर परवरदिगार आलम दे इल्म दे विच आया जी अल्लाह दे इल्म दे विच आया लेकिन खालिक और मखलूक दे इल्म दे विच भाई जान फर्क के इंसान दा इल्म ए होंदा कि उंदे विच पहले कोई शय नहीं होंदी उंदे बाद दाखिल हो इंसानी इल्म ए मेरे पास जरा तवज्जो रहे और चाहिए कि अच्छे जहन मेरे सामने हो मेरा दिल खुश हो गए मैं अर्ज कर रहा कि वलकद अरसलना कि अल्लाह ने कीता इरसाल अंबिया को ताजदार अंबिया सब तो पहले मैं पहले अर्ज कर चुका तो मैं गुजारिश करा थे कि सब तो पहले मैं अर्ज कर चुका कि इरसाल का लफ्ज जिथा दिमाग के आते फौरन खत का तसव्वुर उभरता है
खत जेड़ा बेअनी लिफाफा का दिमाग चो निकलता नहीं। लिहाजा ये पहले मफहूम होता है जेड़ा इल्म दे विच आता है, वह मफहूम अल्फाज दे नाल मरबूत होता है, हुरूफ और अल्फाज दे राबता कायम होता है। उन्दे बाद ओ जामाए तहरीर दे विच आता है, जामाए तहरीर तो बाद बल्कि एक मखसूस पीरियड लिखण वाले दे कोल रहा है। समझ आ रही पे से? ये नहीं कि फौरन लिख के द्वारा पहुंच गया, ये नहीं। और लिखण वाले को घिन के मकतू भी लहता उ काफी हथा च गुजरना पड़ता, काफी मराहल च गुजरना पड़ता। मेरी आज की तकरीर नहीं दोते जो पसंद ना हो गए तो मैं क्यों दस लिवा है। मेहरबानी कराए छेकड़ी बंदे उठन शुरू कराए जी। तो सब तू पहले मफहूम आंद है इल्म दे विच, खालिक और मखलूक दे इल्म दे विच फर्क है सही। वो ए फर्क है कि अल्लाह दा इल्म जड़ा तू अल्लाह कदा तू दा इल्म मजारी है, जड़ा तू अल्लाह कदा तू दा इल्म, उदा इल्म एन जात है। ये नहीं हो सकता कि वो होवे तो इल्म ना होवे, हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो कोई पीरियड एक सेकंड का भी ऐसा नहीं कि अल्लाह होवे मगर उनका इल्म ना होवे। मखलूक हो सकता है, एक वक्त जाहिर होवे एक वक्त आलिम होवे। ता खालिक दा इल्म जदा तू अल्लाह देने पिलाओ, जदा तू अल्लाह तदा तू दा इल्म। उनका इल्म है कदीम, बाकी पूरी दुनिया का इल्म क्या है हादिस। एक मंतिक दे गाली मेरी नजर में तो जदा तू इल्म ते सब तू पहले क्या है सही, उनके इल्म में तगैयर नहीं है। जड़ा तू अल्लाह तदा तू दा इल्म, जड़ा तू दा इल्म तदा तू दे इल्म दे विच ता मौजूद है सरवारे कायनात। जड़ा तू मेरे नाल नाल थोड़े थोड़े टूटते हो। अल्लाह दा इल्म कदीम, जड़ा तू दा इल्म तदा तू ए अनवार। इन वास्ते अमीर कायनात जिता ये नाम पाकावे सलवात सरकार की जियारत का ही फिक्र है, सरकार की जियारत का ही फिक्र है। असलाम हो यानी मेरा सलाम हो गए अलल, तेरा तवज्जो है ना मेरे पास, मेरा सलाम होवे ऊ जात के उते के अला अलल असलिल कदीम वल फरइल करीम। मेरा सलाम होवे ऊ जात के उते जैदा असल कदीम। थोड़ा जा मुश्किल मसले च मैं मेरे ख्याल बढ़ गया। कदीम उल असल है नूर है जी साहेब, कदीम उल असल करीम उल फर। इन की जी असलीयत को अगर देखो तो जिम्मे अल्लाह कदीम है, इन्हों की असलीयत कदीम जिमें अल्लाह कदीम है। या तो आखो अल्लाह के इल्म बाद तगैयर वाके दें, जब तगैयर वाके दें तो कुल्लम तगैयर आहाद सो अल्लाह ही नहीं रहा जी इनके इल्म कायनाता। अच्छा उन तो बाद जिस वक्त उन्हें इरादा किया कि अपने इल्म को एक मरबूत शकल देना, समझ आ नहीं पी, जिस वक्त तू इरादा किया तो ऊं कि मैं एक मरबूत एक खूबसूरत शकल दे विच घेना वा, उन्हें प्रोग्राम बनाया। मैं कसीदा ही पढ़ने कसीदे दूतराय में नवे लेखा है ते सोरी भी मेरे नाल पूरे कहे बार बार, लेकिन उन्हें पढ़ाया किवें मैं बड़ा आराम आराम नाल पढ़ रहा। जेड़े वेले मैं ए ड्राइवर को देखो ना सही, जेड़े पहाड़ी रस्ता आ वाले ना बड़ी आराम नाल गड्डी चले, प्लेन सड़क स्पीड फास्ट थी
ਇਹ ਹਾਲੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਾਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਮੱਠੇ ਮੱਠੇ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਬੜਾ ਸਟਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਸਿੰਘ, ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰੱਤਬ ਕੀਤਾ। ਬੈਨ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵ ਤਾਲਾ ਖਾਲਕ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮਿਨ ਨੂਰ ਇਕਤਰਾਹੁ ਮਿਨ ਨਜ਼ਮਤਿਹਿ ਵ ਜਲਾਲਿਹਿ ਵਹੁਵ ਨੂਰੁਨ ਹੋਬੀਯਤੁ ਲਜ਼ੀ ਬਦਾ ਮਿਨਹੁ ਵ ਤਜੱਲਾ ਲਮੂਸਾ ਬਨ ਇਮਰਾਨ। ਤੋ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਫਹੂਮ ਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈਏ ਜੀ, ਸ਼ਕਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈਏ। ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਆ ਰੱਖੀਐ? ਮੁਹੰਮਦ। ਲੇਕਿਨ ਤਫਸੀਰ ਅਲ ਬੁਰਹਾਨ, ਅਗਰ ਕਹੀ ਕੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਹਵਾਲੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਬੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਆ ਕੀਤੀ? ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਥੋਂ ਬਣਾਏ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਿਨ ਅਜ਼ਮਤ ਹੀ ਪਰ ਜਲਾ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਕੋ ਅਸਦ ਕੀਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਤੇ, ਅਜ਼ਮਤ ਔਰ ਜਲਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿਫਤਾਂ ਕੋ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਈ। ਹੋ ਬਾ ਨੂਰ ਹੋ ਬੀ ਯਤੁਲ ਲਜ਼ੀ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਹੋ ਬੀ ਯਤ ਦਾ ਨੂਰ। ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਖੱਤ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਨਸਾਨ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਰੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿੰਘ? ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਇਹਤਿਆਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਦਮੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ੌਕ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੀ ਇਬਾਰਤ ਨੂੰ ਬਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖੱਤ ਲਿਖ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਇੱਕ ਬਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਰਵਰਤਿਕਾਰ ਆਲਮ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਖਰੀ ਸ਼ਕਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਆਲਮ, ਇੰਤਹਾਈ ਖੁਸ਼ ਬਈ। ਆਹਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕੂ ਜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਲਮ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕੂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਲਮ ਹੀ ਤਰੋੜਿਆ ਆਪਣਾ, ਐਸਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵਾਹਿਦ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਆ, ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਪਏ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਪਏ ਜੋ ਉਹ ਇਤਨਾ ਮਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੁਤਬ ਦਸੇਨ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੂ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਤ੍ਰੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, 3000 ਸਾਲ। ਦੂਜੀ ਰਿਵਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹੀ ਮੁਰਤਕਿਜ਼ ਰੱਖੀਆਂ 90,000। ਨੱਬੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਆਲਮ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਮੁਸਲਸਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਸੂਰਤ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬੜਾ ਪਸੰਦ। ਜੂ ਜੂ ਦੇਖੇ ਬੜਾ ਇਨਹਿਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਗਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਗਾਹੀ ਦਾ ਇਰਤਕਾ ਦੇ, ਮਹਿਬੂਬ ਕੈਸਾ ਮਹਿਬੂਬ, ਖਾਲਿਕ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਰਹਿਮਤ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ, ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਆਲਮ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਦੇਖ। ਸਮਝ ਆ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਔਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਫ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਸਾਦਤਮੰਦ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਬੰਨ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਪੱਘਰ ਪਿਓ ਕੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ ਗਏ। ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੁਸਲਸਲ ਦੇਖੇ ਤੇ ਬਗਾਉ ਦੇਖੇ ਪੰਘਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ ਮੇਰੇ। ਜੇ ਵੇਲੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਆਲਮ ਦੀਆਂ ਗਰਮ ਨਿਗਾਹੀ ਦਾ ਲੰਸ ਨੂਰ ਸਰਵਰ ਕਾਇਨਾਤ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ, ਖਾਲੇ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਬੀਨ ਮੁਬੀਨ ਤੋਂ ਪਸੀਨਾ ਫਿਸਲਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਸੀਨਾ ਜਬੀਨ ਮੁਬੀਨ ਤੋਂ ਫਿਸਲੇ, ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਆਲਮ ਨੇ ਆਲਮ ਅਮਰ ਦੇ ਦਾਮਨ ਨੂੰ ਫੈਲਾਏ, ਹਰ ਬੂੰਦ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 90,000 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਹੈ, ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਪਸੀਨਾ, ਕਤਰੇ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਟਪਕ ਰਹੇ, ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਆਲਮ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਰ ਕਤਰੇ ਕੋ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਰ ਕਤਰੇ ਕੋ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਰੀਬ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਲੰਦਰਾਨਾ ਇੱਕ ਬਾਤ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ,
बड़े करीब तू उन्होंने कतरिया तू देते खुशबू ये तो मेरे महबूब दिया जुल्फों की खुशबू है जिन्हों की मैं कसमा चाह ये तो उन्होंने जुल्फों की खुशबू है ई पसीने को जाहिर नहीं होना चाहिए चलो ई बेहतरीन मुलाकात दी एक यादगार क्यों ना कायम कर देवा परवरदिगार आलम ने अजीब जी यादगार कायम की इवें इरादा बने इवें इरादे दे विच बात आईए इरादे दे विच कई इवें एक ही जान जिया पैदा थे इवें इरादा थे कहीं तू कुन आदम खलक होए कहीं कुन इब्राहिम खलक होए कहीं कुन नूह खलक होए अंबिया की तकलीफ क्या है पसीना है लेकिन यह भी देखो पसीना जुज में बदल नहीं हो पसीना फाजल मवाद इंसानी जिसम का पस्त मवाद वो कहते पस्त मवाद तुम अंबिया खल खोद असाइया कि अच्छा परवरदिगार आलम ने बिठा अंबिया तो तकलीफ कर बैठा 1,24,000 इन्ना को एक कौन दसे जो माए अल्लाह समझ आ गई भाई है इन्ना को एक कौन दसे जो माए अल्लाह ये तो आप दसना कुछ हूं मेरी बार फर कौन करा अलेना तो मैं आप नहीं मिला दू समझ आ गई भाई है जे माए मुलेना तो मैं नहीं रहा तो इन्ना को यह भी दसावन है जो मैं कौन हा हूं क्या सोचो चलो अपने अजीम शाहकार को आता तेरे अपने पसीने की तकलीफ के तरह समझा रहे ना को मैं कर जी मूड थोड़ा थोड़ा बनाओ समझा इन्हें तू जो मैं कौन हा लेकिन अल्लाह जब बोलिया तो नहीं पता तो नहीं सुचे ने कि मैं इन्हें तुम पूछा तो सही जो मैं कोई सुनाता है कुछ हाँ परवरदिगार आलम ने सब तो पहला ताजदार अंबिया से सवाल किया मानना ना मैं कौन हाँ अखी खोल के फरमंदन अल्लाह अंता अल्लाह अंता परवरदिगार आलम के अगे मेरी जात असमा तुमा वरा है ना मेरे को अपने इरफान की जरूरत आई कहीं को करावन की ना मैं अपने वास्ते कोई ना महसूस किया आज तुसा अल्लाह मैं तुसा दे आज तो बाद मैं अल्लाह जी क्योंकि इस्म होने से मार सकते जात होती है इस्म है तारुफ करवावन वाले और जात होती है मुतारिफ होवन वाले जेने वेले तारुफ कर अपना तारुफ जंग जंग नाल कराया बने वो हो गए ही ना तो जरूरत ही नहीं तारुफ करा तो हूं जरूरत महसूस सही है तो उसका ना रखा गया ये जिम्मे असा कई दिन नाज रख दिया कई दिन जरा गुलाम अब्बास तो मुहम्मद सदीक होने ना तो हूं अल्लाह ने यह आख्या कि अज तू पहले मेरे ऐसा करोड़ा निजाम शमशीर करोड़ा सितारे थे सारे निजाम शमशीर में चार नौ दस सितारे ते सारे निजाम में कौक भी देवे कितने सितारे करोड़ों अरबों खरबों की तैदा देवे असा 5-7-8 लाख जिन्हों को सुझाव उन्होंने ना रखी पे है तो जिन्हों के ना कहीं नहीं जी दे तो वही बदले जी उन्हें को कहीं पाठ करी सकता तो ना जो कहीं निकल बनो इतों सही कहीं जै जात वास्ते ना जरूरी ने ये तो बड़े वास्ते जरूरी है चलो वही तरीके ना पहचान के लिए तो इन्होंने आख्या अल्लाह मानता अल्लाह से आखिया अज तो बाद मेरा जात ही ना आई अल्लाह ही सब तो पहले जो मेरे महबूब ने ही ना नाल को याद किया मैं महबूब को बड़ा हूं तो अल्लाह बना कर जी बड़ी अजीब जी गल परवरदिगार आलम ने आख्या चलो तारुफ थी गया मैं को सुझाव दे हूं मैं भी बहादत समझाओ अंबिया को जुलो मेरे को समझाओ तो परवरदिगार ने सोचा जो अग्या से यह नूर है एक वाहे इन्ना मन के आख्या जो आखो कुल हो अल्लाह हो अहद जो अल्लाह है एक तो इन्ना ने नंबिया ने अपने वो तो गायब है तू हाजिर है जो बैठे जी
वो मैं कुछ और के ही को बनी रह लिहाजा हो परवरदिगार आलम ने एक ते दू की ते दू ते पांच जेड़े वेले रू थे अनावाली अमिन नूर वाहिद पांच बन गए। अच्छा हो भाई तुम पांच मोहल्ले में कायनात बन के मोहल्ले में अंबिया बन के इन्हों को दर्श दो अंबिया को समझ मेरी बात आ रही है। आज मेरा इरादा कोई नहीं छटे छोड़ा मेहरबानी को जी बाकिया कह नहीं आख्या क्या था प्याम सभी दर्श दो पांच मोहल्ले में अंबिया बन के पांच अनवार अंबिया को खिताब करने क्या दिन नूर सरवारे कायनात ने आगाज किया दर्श देवण का आगाज हो रहे अंबिया को मुखातिब किया हो गिरोह अंबिया कुल हो अल्लाह आख अल्लाह एक जी अंबिया ने आख्या अल्लाह एक उन्हें आख्या अल्लाह एक अंबिया ने आख्या अल्लाह एक मगर वादत खामोश अल्लाह चुप हर आवाज के दे रही हो तो मैं जाता है साई गया मैं जेड़े वेले एक दफा पिछा कोई बंदा देखती ना मैं 15 मिनट बदे में सही मैं आधा इन्हें क्या आख्या ताजदार अंबिया ने फरमाया कुल हो अल्लाह एक अंबिया ने आख्या बेशक अल्लाह एक मगर वहदत खामोश उदे बाद ताजदार नजफ की बारी पर आई उन्होंने अंबिया को सबक दिता अल्लाह समद तो बेनियाज है एक की नहीं बेनियाज ही है अंबिया ने आख्या बेनियाज है मगर वादत खामोश बड़े पुत्र की बारी आई उन्हें आख्या अल्लाह ये उनका कोई पोत्र ही कोई अंबिया ने आख्या उनका कोई पोत्र नहीं वादत खामोश छोटे पुत्र की बारी आई उन्हें फरमाया वलम्यूलद के वो ही कहेगा पुत्र दर्श दिता जा रहा है स्कूल दर्श दिता जा रहा है कि वह भी कहीं का पुत्र नहीं जेड़े मैंने मुहात्मा साइन की वारी आई है साइन फॉर मैंने लम या कुल्लहू कोफवन आहत उनका कोई कुछ भी नहीं जेड़े मैंने साइन का ही फिक्र आए पर प्रतिकार आलम आलम है बाइक के बीच झूमन शुरू थी गए और फिर मैंने ऐसी नाच ऐसी हम ऐसी तारीफ ऐसी वक्त मेरी आज तक कहीं नहीं की थी आज कुछ मेरी तारीफ की थी अगर जरा आप को ही देखो अगर अली न हो यहां बलम यकुल्लाह को भवन आहत अली न हो यहां तो अली को ही को फुला थोड़े थोड़े बुलेंद आओ आप तो पीछे मैं कसीदे तो बल लगे ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਮੋੜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜਿੰਦਾ ਬਣਗੇ ਅੱਜਾ ਮੈਂ ਮਜ਼ਮੂਨ ਫਿਰ ਖਰਾ ਬਚਾਈ ਕਰਾ ਬਾਈ ਸੱਤ ਮਜਲ ਤੋਂ ਜਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆ ਗਈ ਅੱਛਾ ਕਿਤਾਬ ਪਹੁੰਚੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਅਮੀਰ ਕਾਇਨਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੁਣ ਖਾਤਮ ਹੂੰ ਲਵ ਇਰਫਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ ਕਦ ਅਰਸਲ ਲਾਦ ਤੇ ਮੇਰੀ ਯਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਔਰ ਖਤ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਰਾਹਲ ਤੂੰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਇਹ ਛਕਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਫਹੂਮ ਇਬਾਰਤ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਬਾਰਤ ਤੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਪੈਂਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਫੂਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਲ ਵੀ ਕੁਝ ਪੀਰੀਅਡ ਨੇ ਕੋਲ ਲਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਆਲਮ ਨੇ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਕਾਇਨਾਤ ਫਰਮੈਨ ਫਾਇਨਾ ਨਜ਼ਹਰ ਫੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮਾਨਿਨ ਫੀ ਸੂਰਤਿਨ ਮਾਸ਼ਾ ਰਹਿਮਾਨ ਅਸਾ ਹਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੇਰ ਔਰ
ना कर रहे हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं जेडी सकल सारी इब्राहिम ने दिखी है वह अनु ने दिखी हो। जरूरी नहीं ये आदमी अटकल एक मसला चलिया बदे अगर सारी वो नौ ना है तो साकू हिदायत क्यों कर सकते, कोई बेई नौ तो बंदा साकू हिदायत नहीं कर सकता। अगर असा यह तकाजा कर सकते हैं कि सारी हिदायत सिर्फ बंदा करे तो जिन्नात को चाहिए अल्लाह देव तकाजा करे है कोई जीनी नबी बनावे जरूर बंदा तो बंदे करे तो हिदायत मुझे पहले ठीक है सर। नौ अगर माने हिदायत ये जिन्नात अपने तकाजा कर सकते मलबूत या फिर बिहार कर दी सर अबरीता बना आदम पहले इनकार किया आदम कर बात नहीं जड़ी बात से जा रहे हैं सर जरूरी नहीं मुख्तलिफ मराहल गुजरते रहे हैं असादा नूर मुख्तलिफ शक्ल अख्तियार करेगा रहे जिस वक्त अस आलम हाहूत के आते शक्ल हाहूती के आते आलम लाहूत के आते शक्ल लाहूती के आते आलम जबरूत के आते लिबास जबरूती के आते आलम मलकूत के आते है कले मलकूती के आते जेड़े वे अस बशरीयत के करीब आए हैं ऊ वे अस लिबास बशरी च पाते समझ आ नहीं इन्होंने जाहिर लिखा उन्हें भी हुई है अजीब लिखे गाली छोड़ो अजीब लिखन मेरे सेन में चिकने गाल आ गई के ई नूर दा मखसूस कोई हुलिया है ही ना सुभान अल्लाह ई नूर दा मखसूस कोई हुलिया है ही ना। हर शख्स सोच रखी मैं दा जवाब दे दूं के मौला सतनी सरकार अलैहि सलाम एक मौके फरमेले अपने साहब ही को हा भाई तू सुना लोग चौखे सारे वाके पर और कौ सारी दुनिया तो तू सुन रहे थे सरकार फरमेले अच्छा सा तू के रंग से उसे जीवे मैं सुन रहा तू भाई सच वो एक बड़े बड़े मजमे को सद गिना दे से सरकार अंदर दरमियान एक हर कहने मुसाफा करें दे कोई ज्यारत करें दे कोई कदमे हाथ लेंदा मिलते सरकार घर तशरीफ गिनवे दे पर मैं दिन हाँ होन पानी तो उन्होंने कोई पूछ तो ज्यारत की थी सारा कोई पूछ और ज्यार बहना पूछा एक कोई पूछा है सर ज्यारत की थी सर आप भी इसमें ला कदमे हाथ लाए से अच्छा जरा भूलिया तरह वो सही साव लिबास आने साव अमामा से त्याने गंतम गुहन बड़े सोने जवान हैं ज्यारत की अच्छा जवान बिल्कुल जनाब अजा रीश अतर थोड़ी थोड़ी फुटती वती है बाय को पूछे ने भाई तू सुना भाई सही बात कदमा ते हाथ लाए से ज्यादा लगे मैं तो हाथ ही दूं तो पचूं मैं अच्छा हुई अब सिया लिबास ने जीवे होवे सिर ते सिया अमा महा ने थोड़ा जे अपना रंग स्याही मायल को गहाने बाय को जो गान में तू सुना ओ आगे सफाए लिबास आ चिट्टा कूल खड़े मेरे हर कहीं यकीन होता है जो चाहे ये वो दे दिए सारी आकर ये आजा और पवा सारे हाथ भी थे लेकिन ये असम इतात अपने मालिक ने नहीं की वरना ये इतात ठीक करेंगे अच्छा ता मखसूस कोई हुलिया नहीं इन वास्ते जरूरी नहीं कि वो केड़े केड़े मराहल के विच केड़ी केड़ी शक्ल दे विच आए होवन मुल्ला की तस्कीज करे ने आऊ चका ओ मौके ते ई हन ओ मौके ते ई हन जेड़ा हुलिया लिख तन सब दसे ने इशारा मान ए जेड़े किताब आए जेड़े शाह ने रिसालत बयान करन ते ठेका चाता होए जिन्ना अच्छा लाइट चली गई ते मैं तो अकवादा बैठा सुधर बने सुने इरसाल तुहारे समझ दे विच मेरा ख्याल आ गया हुण लाउड स्पीकर मुड़ी है यही गए चल ठीक है बाकी हो बाकी तो मैं अंधारा हो गया खैर में हरे हुण उठी वाला ले कुछ शर्म ना सी मेरा ख्याल जी एक बार सलवार पढ़ो।
अरसल ना रोसोलो ना बिल बैजनाथ। यह है सही जेड़ी मेरी आयत मैं उनवान विच रखी हुई है, ते क्योंकि कसीदा मैं पढ़ने देख के जे ते बिजली नहीं आती मैं कसीदा कहने पे पढ़ना आता है। बैजनाथ क्या है कि हर नबी को भेजा वेंदे बैजनाथ दे नाम वअंजलना माहुमुल किताब, और उन्होंने नाल किताब नाजिल की थी वेंदी है। ये नहीं कि कुछ अरसा नबी होवे मगर किताब ना होवे, ये हो ही नहीं सकता कि अंजलना परवरदिगार आलम फरमाते कि मैं मईयत में माहुमुल किताब कि मैं उन्होंने मईयत दे विच किताब नाजिल करेगा। ये किवें हो सकता है कि 40 साल नबी होवे ते समझ की कोशिश चिपचर नहीं चल सकते। हां बिल बैजनाथ, बैजनाथ की तारीफ क्या है? बैजनाथ दिया काफी तादाद दे विच लिखे ने, सारे तो मैं बयान नहीं कर सकता, 2, 3, 4, 5, 6 जे तुसा तां दसो मैं बैजनाथ की तफसील चला गया। बैजनाथ की तारीफ क्या है के अन्नबियो, बैजनाथ का बयान कर रहे हैं, अन्नबियो यस्मौ कलाम अल्लाह, नबी ओ है जेड़ा अल्लाह का कलाम सुन। ठीक है यार, बैटरी मंगवा के नो मार कहीं हौले हौले खिसे के ना मन ते कसीदा पढ़ने बस। माशाल्लाह अल्लाह दा कलाम सुन दे नबी, लेकिन वे कोई दसो अल्लाह कलाम मुड़ी करेंदा है? सारे चुप कर गए हो बिल्कुल आराम। अच्छा सर, अच्छा अल्लाह पहले तो ये साबित थी वे कि अल्लाह कलाम करेंदा है और नबी सुनता है, अन्नबी यस्माउ कलाम अल्लाह, कि नबी वो होंदा है जेड़ा अल्लाह का कलाम सुनता है। लेकिन अल्लाह फरमा दे हमा कान अल बशर अन युकल्लमहु अल्लाह इल्ला वहजन او من وراء حجاب او یرسل رسول، کہ اللہ بشر نال، لفظ بشر ذہن وچ رہے، اللہ کہیں بشر نال علیحدہ ہی نہیں بلیندا ہی نہیں کام ہی نہیں کرے دا، مگر ترائے طریقے ہوندے۔ پہلا طریقہ یہ ہے الا واحد वही नाजिल करें, वाहज नाजिल करें, समझ आती भाई? बशर नाल देख के भाई वाहज नाजिल करेगा। दूजी क्या है सही के पसे हिजाब को ले गए। त्रीजा है कहीं रसूल को भेज के कहीं फरिश्ते को भेज के दरमियान च अपना तर्जमान बना के वास्ता बना के उन्दे नाल बशर नाल गुफ्तगू करेंगे। ते अगर कोई चौथा तरीका साबित थी वे तो साबित हो सी कि जेदे नाल कलाम की सो बशर नहीं। वाह समझ आती भैये? जेदे नाल वो कलाम की थी है। हाँ देखो तो दुनिया दी बनिया हुई चाहिए में मौके ते भरी वेंदी है। हाँ जेड़ी सारी बनी हुई हो सी ना सही गाढ़विया शाई इवें डेढ़ फुट दिया। क्या था प्यार से मैं बिल्कुल मेहरबानी। देखो ए तू सब पकाई हवा है मेरे नाल बमा कान अले बाशा रहना ही कल्लम अल्लाह अल्लाह वाह यन्नो मेरे बराबर इलाव अन्नो यूसला रसूला के
अल्लाह दे कलाम दे तरीके क्या है, त्राए त्राए तरीकों दे विच वो सिर्फ बशर नाल कलाम करेंगे, और नबी जड़ा है वो क्या कलाम कहीं मुफ्ती को सुन दे, कहीं काजी मौली साहब को सुन दे, कहीं शबीले को सुन दे, लेकिन त्राए तरीके तो नबी कलाम सुन दे अल्लाह की, ता बशर नाल बशर नाल बशर नाल अल्लाह कलाम करें दे त्राए तरीके दे नाल, या वही को नाजिल करें दे, समझ आ गई है इवन हौले हौले सिर हलाई रखो मैं कुछ रहा सा। हाँ त्राए तरीके नाल कलाम करें दे, मगर एक अजीब जी गल है, मैं हम चौथा तरीका रखाना चाहूँ कि कई ऐसी शख्सियत है जैदे नाल चौथे तरीके नाल गाल की थी है, कि जैदे नाल चौथे तरीके नाल गाल करे सी बकाल कुरान दे ओ बशर न हो ए सारा ताजदार अंबिया दे फजाइल जेड़े न सही असा अपने सोत्र को लेते सारे तो सुनने वाले कोई नहीं बेजनाब रिसाला जी एक गाल है सही सारे मसलक दे विच जेड़ा है डाढ़े मजलूम शख्सियत जनाब रिसालत मार बहुत घट उन्होंने शान बयान की दी तो परले मार का कहो मजलूम तरीन शख्सियत अल्लाह से जी हूं की शान ही बड़ी घट दूता बयान दी दी तो मेरे सामने चाहना कि ताजदारे अंबिया दे। अच्छा मैं हूं बस हूं मैं बिल्कुल बड़े घट रहे अपने मजलिस और तो कसीदा सुना कि अल्लाह त्रै तरीके नाल कलाम करे दे जनाब रिसालत माब दे बारे एक कुतुब दे विच लिखिया हो कि जेड़े वेले वही दा नज़ूल थी विया वही दे आसार वाहिज दे आसार पैदा थी विया तारीख ने दसी मुख्तलिफ कुतुब ने बयान किते कि सरकार दे जिस्म दे विच कप कपी तारी थी विया जी जिस्म दे विच कप कपी तारी थी विया जिस्म दे विच लरसा पैदा हो विया गुनूदगी दे आसार पैदा थी वे ना थोड़ी थोड़ी सर्दी महसूस थी वे और वो आलम फरमावे ना जम्मे लूनी दस्से रूनी मैं को कमली दो मैं को चादर दो सर्दी महसूस हो रही है किताब लिखा मैं जरा के चौथे तरीके दे जा रहा जम्मे लूनी दस्से रूनी अर्ज करे मेरे को हुक्म ने मैं को चादर दो मैं को कमली दो सर्दी महसूस हो रही लेकिन एक पोजीशन एक कैफियत उन्होंने सिर्फ मुंह वेले होती आई जेड़े वेले फारे का औकात होना वरना जिहाद दे विच मसरूफ है जिहाद दे विच मसरूफ है जंग के दौरान वाह नाजिल थी एक कहीं कने ना करो थक मेरे गड़े में चादर लगा जी सफर दे विच जा रहे वाह नाजिल हुई है सही वाह नाजिल थी दिए याकूब सरकार का दराज गोछे याकूब ते सवार वेंदे पे उंदी नाक जमीन नाल लग वेंदी है वाहि दे वजन तो आयात दे वजन तो समझ आ रही भई उंदी नाक जमीन नाल लग वेंदी है कई बई सवारी ते सवार है ओ सवारी जमीन ते बह वेंदी आप नहीं फरमाते जम्मे लूनी दसे लूनी मैं को चादर दो मैं को कमली दो नमाज दे विच वाहि नाल मैं सही जेड़े गल कर रहा तो गुजारा है के ए मेरा ख्याल है कुछ नवी आ है माशाल्लाह नमाज भी सही है तो ने फरमाया जम्मे नूनी दस नमाज ज़ुल्किबला तैन नमाज जड़ी ज़ुल्किबला तैन पढ़ी गई सरकार कयाम चिराए गए वादत खामोश है रकू की तेने वादत खामोश रकू तो बाद वल कयाम चैन वादत खामोश ऊ तो बाद सजदे विच कहन पहला सजदा ही दे कि तेने अल्लाह से चुप है दूजा सजदे में इवें इरादा कीता ने जिब्रील मोढ़ा हला फबल ले वजह का शतर अल मस्जिद अल हराम जरा से दूजा सजदा इनके चक्कर में लेकिन ए नहीं ने आख्या मैं को चादर दे मैं को कमली दे आखे ने नहीं फरमाया ना लेकिन ए क्या वजह है कि कई मौके ते फरमाने के जम्मे लूनी दसे लूनी मैं कुछ चादर दो मैं कुछ कम ली दो तो ये क्यों फर्म है तुम समझ आ नहीं पई है तो मैं खुद ये उलझन हल करना चाहना ताकि तुम्हारे जहन में समझ आ गए अमर इब्न साबित
बोला छेवी सरकार दी बारगाह दे विच और रिवायत करने सोए आने गशियत लती कान ताखुज नबिया कई शख्स ने अर्ज किया आका जो ए जी कैफियत बारिश के नजूर के नाल थींदी है ये केड़े वेले थींदी है आकानक इंदा हबूत जिब्राइल जेड़े वेले जिब्राइल नाजिल थी गया उन वेले सरकार भुकंबड़ी लग रही है ते वो चादर मंगन पाए वाली हम थे सर्दी महसूस थी गई काल अल्लाह सरकार बनने ने काल इन्ना जिब्राइल इजा तन नबी अलम यदखुल अलैहि हत्ता यस्ताज ओ जिब्रील दी तू गाल करे ने ओ जिब्रील तो ते अंदर आ नहीं सकता जे ते इजाजत ना दे सुभान अल्लाह जी समझ नहीं आई सर झुका के अर्ज कर बच्चा क्या है सरकार कैफियत तारी होंगी है सरकार के उत्ते परवरदिगार आलम अपने महबूब नाल डायरेक्ट गुफ्तगू इत्था जिब्रील दी जुर्रत ही नहीं दरमियान चावे ए अपने मुहिब और महबूब दे दरमियान राज और नियाज दी गाली होनी हन मियानो मियाने आशिको माशूक रम दे किरामन कातबी रा हम खबर ने ए आशिक और माशूक दे दरमियान ऐसे रम दे गाली हन किरामन कातबी पता नहीं हो जगह ये अर्ज करने दे आका ते ए मैं कोई दी वजह नहीं समझ आई तो जिस्म दे विच लड़दा क्यों पैदा थींदा सरकार फरमाना दाले का कुल्लो ले अजमत तजल लीजत अल बिजत अल कुदसिया बाद अब तहमल लिबास लजी तलबतहु ए असल वजह ए नहीं कि सरकार जिब्रील दी वजह तो पर मैंने असल गल ए है कि जिन वेले परवरदिगार आलम दी तजल्ली जात अल बिजत अल कुदसिया दा ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰਵਰਤਿਕਾਰ ਆਲਮ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਜੱਲੀਆ ਤੇ ਅਲਬੀਆ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਸ਼ਰੀ ਲਿਬਾਸ ਮੁਤਹਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਸ਼ਰੀ ਲਿਬਾਸ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿਆਲ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਮਲਮਲ ਮਚੋਲਾ ਪਾਤੀ ਬਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸਮ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੁੰਦਾ ਬਦਾ ਥੜਕੇ ਦਾ ਜੀ ਇਹ ਅਲੱਗਾ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਯਾਤ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ समझ आती पई है जब मैं मुकाम आचा ए कुछ इल्मी टॉपिक सुने करो कार जितने थोड़े बंदे समझाने वाले हो मैं कहू चासा दिया मैं था तोड़े जो चुप बैठे थे कि सही अच्छा मेहरबानी सही ता ए क्या होता है इसे कि परवरदिगार आलम दे और ए के आयात दा वजन वो कुछ हो रे और तजल्दियात इलाहिया दा वजन वो कुछ हो रे हुन इक जिसमें रसूल दे जितो ए के आयात दा वजन दे ए जेड़ी सवारी तो सवार होवे ने वाहि नाजिल थी गया सवारी जमीन ते बैठ ना कहे कुछ वाह सरकार दी ना कर 150 आयात दी वही जो नाजिल थई है हीवे दौड़े आज ने फोर पुचा के वजन है ना लेकिन ए एक नवी बात तो दसाओ से के आयात का वजन कितना होता है ये कहीं पता है नहीं हर आयत एक वजन है वजन का क्या होता है जी साहब आयात का वजन क्या होता है जरा माजी के दरवाजे खोल के जरा झाती पर मिस्र का बाजार है जनाब यूसुफ बिकते पे एक पलड़े दे विच जनाब यूसुफ ने कीमत मुकी है भाई इन्ना दे वजन दे बराबर सरो जड़ा है देखो कीमत या तय थी एक पलड़े दे विच जनाब यूसुफ ने बाय पास दे खजाने पलटी दे पे नजीर दे मिस्र दे खजाना खाली थी के पलड़ा नहीं चली दा समझ आती पई है मेरी गाल या का है ना पलड़ा नहीं चली दा तो ओ उनकी वजह क्या है कि ओ जनाब यूसुफ दा पलड़ा तल्ले कुल खजाने खत्म थी गए कुल खजाने मुक गए जरो जवाहर मुक गए उनके बावजूद जनाब यूसुफ का पलड़ा तराजू का पलड़ा तले पे जरा बराबर नहीं हलता
अजीज मिश्रा साहब की तू केड़ी शख्सियत रब को आप दिखा ये क्या मामला है हंस के आदन अंबिया सिक्किया नाल तुले जी अंबिया और पैसे तक के जरो जवाहर नाल नहीं तुलते तू हिस आयत लिख के परले पास पा बराबर उठाना जी तो जनाब यूसुफ ने दसा उन्होंने बिस्मिल्लाह लिख के बाकी सारे जवाहरात हटाए गए एक बिस्मिल्लाह परले पास पाती गई पलड़े बराबर समझ आती पी है पलड़े बराबर तो हिस आयत का वजन कितना थिया हिस नबी दे बराबर समझ आती पी है हिस आयत का वजन कितना थिया हिक नबी दे बराबर मगर परवरदिगार आलम हिक व्यापार की तावे तो बतावा 15 रोटियां कितिया ने 30 आयता कितिया ने जे 15 रोटियां ते 30 सही 30 थोड़ी गल है 30 आया तदि तुस हिक रोटी दे बदले दू आया जेड़े वेली मु अपने मिजाज अदल के तराजू के विच एक रोटी को तोले टू नबियां दे बराबर लथी है जी दू नबियां दे बराबर और लुत्फ दी गल ए है मैं तारीख दे ते तफासीर दे विच जेड़े वेले पढ़े बिगे रोटियां ए पकाईयां हुईयां कहंदियां ओ तो ए है के पहली निवाज जनाब फिजा पकाई रोटियां 5 रोटियां साहिल आया ओ यकीमून तआम अला हुबहि मिस्कीना ए आयत बड़ी मशहूर मारूफ आयत है तो पहली दीवार दर के साहिल में मिस्कीन जनाब फिजा दे हाथियां पकियां हुई रोटियां चाड़ी थी वो चला गया दूसरी दीवार आ गया मैं सी एक यतीम ए दीवार हावे मुआजमा सैन दे हाथियां रोटियां पकियां हुई 5 रोटियां क्योंकि दस्तूर काम का मुआजमा सैन रखा है एक दिवार कनीज तो काम कर लेने एक दिवार आप करें घर के विच भी बराबर मुसावात को कायम रखा है ऊ निहारे मुआजमा सैन देहातियां पक्की हुई 5 रोटियां गई साइल घिन के चला गए तीजी दिवार असीर बन के आए जी जनाब फिजा देहातियां रोटियां 10 रोटियां जनाब फिजा के हाथ दिया समझ आ गई पई है 10 रोटियां कसीद जनेड़े में आ गई आप तो चला ही नहीं जाएगा मूड होवे तो अच्छा से मेहरबानी से हाँ ये रोटियां गिन के गए अल्लाह सही ने क्या कीते से रोटियां लेकिन किवे रोटियां दी थे जिन वेले रोटियां दीतिया ने साल जेड़ा है वो सर झुका के अर्ज करें दे दुआ की थी इन्हें आदत होती है दुआ की थी सोनी जो दुआ की थी उनके बाद जनाब फिजाओ के में गौर मिल उठे जो गौर मिल उठे ने वो आते सही जो मैं तुम्हारा से शुक्र गुजार हूं सरकार जनाब फिजा दे जबीन दुते इवें थोड़ी जी तिवरी उन्होंने चढ़ाई है इवें थोड़ी जी अबरू कजी आईए थोड़ा जहा जलाल दी आमेज मासूमियत दे विच थईए इवें जलाल आमेज लेजे लाल फरमेनन इन्नमा नुतमकुम लिवजहिल्लाह ला मुरीद मिनकुम जज़ाउन वला शकूरा असल तुहा को तुसा जिया को वजहुल्लाह दा सच्चा पे खवंदे ना सक तोड़ी जज़ा दी जरूरत है ना शुक्रिया सुभान अल्लाह तू रोटियां करवान ना सक तोड़ी शुक्रिया दी ना असल जे भी रजा दी खातिर ते तेरे को तोरे शुक्रिया दी खातिर दिते से परवरदिगार आलम को फिक्र एडे पसंद है फरमाए नहीं कोई कुरान च बना ये कुरान बन के अल्लाह ने फिक्र दोहराए अच्छा किड़े वेले रिठी परवरदिगार आलम को जनाब फिजा दी अदा बड़ी पसंद आई पर मैं अच्छा मखलूक दे शुक्रिया तो तुसा कबूल निवे करें दे कौन असाकुम मशकूरा मैं अल्लाह जो तेरा शुक्रिया अदा करे सुभान अल्लाह
प्यास दे मैदान जेड़े वेले सी मैं अल्लाह साईं दी बारगाह चकदा बहरा अल्लाह तेरी जात ने खुद फरमाया ला तश्तरू बे आयात समनन कलीला ये मेरिया आयात को मैं थोड़ी कीमत ते न बेचिया करो उन्हों एक रोटी दे बदले तू दो आयात दीती बैठे ये आयात का नीलाम आप क्यों बैठा करेंगे सवाल है सी परवरदिगार आलम फरमेंद है जो चुप कर मत सुन की दाओ ना तो ये मेरे दो आयत कबूल न करे तड़े सुन की दाओ ना तो एक रोटी दे बदले मैं जो दो आयत कबूल न करे चुप कर मैं दसी गल नहीं ना कोई हिसाब नाल गल करो तेरी जात जेड़ी है वो फरमेंदी है मन जा फिर हसनत पाला हो आशर अम अम सारे के कोई हेक खेना वे नेकी तो मैं उन्दिया उहो झैया मिसला दह दे तू नीचा कर इन्ना पंद्रह रोटियां दीतियां तू 150 रोटी चढ़े आया तने लाम न कर आया तने लाम न कर एक रोटी दे पतले दू आया अल्लाह ने फरमाया मैं उल्टी खोपड़ी रसोच जे और मैं जो अगर ये देवा दे, मतलब 150 रोटी पुछवा ही देवा हूं तो कहो चुप पिछे आखन मेरा अल्लाह तू हूं आ गए हिसाब से अगे तो आसे चुप तू हूं आ गए गल हिसाब से तो तेरी जात वादा किते रोटियां दे सा या नेकी दे बदले उनदिया मसलां दे सा उनदिया मिसलां दे सा तो देवनियां तो एक दियां डा जे रोटियां देवनियां ने तो बात नहीं हो जिया ने जे इहो ते हाथ दियां पकियां होयो जी वह हिसाब की गल है हिसाब की बाकी ये हाथ दिया पकवा के दे ते मैं दे खजाने दे विच मैं गौर कीते ये तहन मतलब है ऊ सैन दे हाथ दिया पकियां होयां रोटियां जे को बाप आई बतू सदेंदा हा जी ए रोटियां पकियां होयां उना दे हाथ दिया ते मेरे को तो हिक्का बतूल है जनाब मरियम ओई दी फिजा खावे नहीं थी जी ते मैं कह गुरु पकवा के गुरु मैं गुरु भाई ने नहीं थी तक ये नियम मतलब का बेट डा मसला मैं नहीं ले सकता मैं तो मेरा अल्लाह ने आया अपने लाम मैं को नहीं दी मान जान भी अमान खावा तो कुछ अर्ज करा हां बोल मारे सोना में कर तीहो जे पाक सैन बई चा बड़ा कादर तहीं ना कदी नहीं होयो काफिर नहीं होयो तो इयो जी सैन मुअज्जमा सैन बई चा बड़ा उन्ना दे रोटियां उन्ना दे हाथ दे पकवा के दिसो दे जा वाह वाह जी हो जा दे परवरदिगार आलम फरमे दो अहमक ये कैसे गाल कीती है पर जब मैं इयो जी बई बढ़ावा तो मैं कोई मोहम्मद भी आ बड़ा बड़ा पोसी जी एक मोहम्मद भी आ बनावा तो एक अली भी आ बनावना पोसी ते मत 14 पाक बनावने पोसे ते बाल ये साए बरसी मैं तो बड़ा अच्छा तू कादर ओ भाई कादर तो मैं हां कड्डा मैं आके मैं कादर नहीं कादर तो हां मगर बनते नहीं क्या करा मेरा अल्लाह एक मैं तेरी जात इतनी कादर और फरमाए दियो कि बनती नहीं ओए हां मैं अगर बनावा ही चा तो बस ये आखिर जो जड़ा सा को बनाया अभी तक ना कैसे नहीं ये सवाल हर से दे बाद पे बन तेरी अच्छा जाए की में जी जड़ा सा को बनाया जड़ा सा को बनाया अभी तक बशाई कोई नहीं ते हुन हर से बना के दुनिया बना के जहान बना के आदम को ईसा तक सारे नबी भी गुजर गए तू ते बाद भलाई हो जे पे बड़ा वही चा तो ओ हो जे तो न पड़े ना माया के मजा अल्लाह सौखी आयात नीलाम करण में ही नहीं मिले नारे हाजी तू काबे तो है मेरा अल्लाह काबे लेकिन तू ये कर ते बना चा आगे कल्ला आवे जनर कैसे नहीं ते बना के देने हुन सारे मखलूक के चलो मखलूक को नाल चला वाह जी मखलूक तो बाद बनया पहले आ
ਜੀ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਲਦਾ ਇਹ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਮੌਜਜ਼ ਨੁਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਜਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਮਸਲਾ ਕਿ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੌਜਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜਜ਼ ਨੁਮਾ ਦਾ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤਾਜਦਾਰ ਨਜਬ ਤੋਂ ਅਗਰ ਫਰਮਾਓ ਇਹ ਤਾਜਦਾਰ ਅੰਬੀਆ ਤੋਂ ਚੰਦ ਤੁਸੀਂ ਟੁਕੜੇ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਕਰੇ ਸਰ ਬਲਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਬਲਾ ਕਰਾਏ ਬਲਾ ਥੀ ਸਕਦੇ ਬਲਾ ਕਰਾਏ ਬਲਾ ਥੀ ਸਕਦੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦਫ਼ਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਥੀ ਸਕਦਾ ਸਰ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਦਾ ਇਹ ਅਜ਼ੀਮ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਜਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਈ ਬਲਾ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੈ ਜੀ